हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। उन्नाव रेप केस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई थी। वहीं रायबरेली में हुए एक एक्सीडेंट में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गई। इसमें परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। इस केस के चलते सपा सांसद जया बच्चन भी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली में हुए एक प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। प्रोटेस्ट के दौरान सपा और तृणमूल कांग्रेस के सांसद घटना को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। सभी सांसद महात्मा गांधी के स्टैच्यू के नीचे खड़े थे और जया बच्चन हंस रही थी। वहीं अब लीजिए जया बच्चन की ये फोटो, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। द सीरियसनेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट उन्नाव केस इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर स्माइल्स। गांधी जी को छोड़कर बाकी सब हंसी रहे हैं। These smiling and laughing faces do not show any protest against crime. It is just their political propaganda. ये तो दुर्भाग्य है देश का। तो देखा आपने, जया बच्चन को हंसना कितना भारी पड़ गया है। बता दें कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर न्याय के लिए विरोध किया था, लेकिन इसकी कोई गंभीरता उनके चेहरे पर नहीं दिख रही थी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी लताड़ लगाई गई। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन को ट्रोल किया गया हो। वो कई बार मीडिया से बहस कर चुकी हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी लताड़ लग चुकी है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ट्रोलर्स पर जया बच्चन कैसे रिएक्ट करती हैं। वैसे जया बच्चन की इस हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।